जी नमस्कार, हमारे साथ बिहार के पटना सिटी से नंदिनी जसवाल जी हैं। आप किस बीमारी से ग्रस्त थे पहले से? जी, मैं किडनी फेलियर से ग्रसित थी। मैं 3 साल डायलिसिस पे थी, उसके बाद मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप किडनी ट्रांसप्लांट के इलाज कहाँ करवाए? जी, मैं किडनी ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट एम्स दिल्ली में कराई थी। वहाँ पर मुझे माननीय सांसद मिस्टर पप्पू यादव जी ने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे एक तरीके से उन्होंने अपनी बेटी समझ के हेल्प किया। और मैं ऐसे हालत में थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी एक टाइम। उन्होंने मुझे, मैंने एक आध दो लीडर के पास और गई और भी उनसे बात की, बट कोई भी मुझे हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हुआ। बट इन्होंने मुझे उस टाइम से लेके अब तक, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे आगे भी कहा है कि वो मुझे हेल्प करेंगे। तो ऐसे सांसद, ऐसे लोग आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको कैसे लगा कि पप्पू यादव आपकी मदद करेंगे? जी, मैंने सुना था, मैंने और भी देखा था पेपर में कि वो पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। उन्हें मेरे जैसे पेशेंट या फिर मुझसे भी ज़्यादा जैसे भी पेशेंट होते हैं, मैंने सुना था उन्होंने अपने आवाज़ पे लोगों को रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि वो सच में ऐसा करते हैं या फिर बस ऐसा सुना है। बट मैं जब गई वहाँ पे, जब मैंने देखा आवाज़ पे, इतने पेशेंट थे वहाँ पे, और ऐसा देख के आज के टाइम में कोई भी एक मीडिया के लिए करना अलग होता है। पप्पू यादव का सेवा आश्रम में? हाँ जी, मिस्टर माननीय पप्पू यादव जी के आश्रम में जब मैं गई, वहाँ पे देखी कितने सारे पेशेंट, मुझसे भी ज़्यादा लोग। ये पप्पू यादव का सेवा आश्रम कहाँ चलता है? ये दिल्ली में उनके खुद का जो उन्हें आवास मिला हुआ है, उसके अंदर माननीय सब पप्पू यादव जी वहाँ पे सारे पेशेंट्स को रख के उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। और भी कहीं गए थे आप मदद के लिए? हाँ जी, मैं एक आध लीडर के पास और भी गई थी। उन्होंने मेरी हालत देख के, लोगों को ऐसा लगता था मैं बच नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने मेरी हालत देख के, वो नहीं चाहते थे कि वो मुझ में इन्वेस्ट करे या फिर मुझ में इंटरेस्ट लें, तो वो छोड़ देते थे ऐसे। वो मुझे हेल्प के लिए आगे नहीं आते थे। बट ये मिस्टर पप्पू यादव जी ने मुझे बहुत हेल्प किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने एम्स में लोगों को भेजा मेरे लिए कि वो हर जगह मेरे साथ खड़े हों। तो इस मदद के लिए आप बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिहार के लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जैसे पेशेंट होते हैं या फिर मिडिल क्लास होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उन्हें बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें लोगों को क्या होता है, ज़रूरत होती है, डायलिसिस होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उसमें। तो ऐसे पेशेंट या फिर दूसरे पेशेंट जो चाहते हैं अपना इलाज कराना या फिर किसी और तरीके से मदद करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर पप्पू यादव जी से मिले। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। लोगों को लगता नहीं है कि वो इतने बड़े सांसद हैं, बट जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मेरे घर वालों को करते हैं, दूसरे पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, कभी उनकी आवाज़ पर जाके देखिए वो कैसे लोगों को हेल्प करते हैं। ये आपकी माँ हैं? जी हाँ, ये आप क्या कहना चाहेंगे इस मदद आपकी बेटी? उनके लिए बहुत आभारी हैं पप्पू भैया के लिए कि आज मेरी बच्ची मेरे आँख के सामने है। बस इससे ज़्यादा और क्या कहें। भगवान करेंगे इस तरह सभी लोगों को हेल्प करें और सब लोग जो जितने भी गरीब तबके के हैं सबका मदद करें और सबका उनका आशीर्वाद मिले। कब आए थे आप लोग पप्पू यादव जी के पास मदद के लिए? 2 साल पहले की लगभग। 2 साल से अभी तक इलाज चल रही है आपकी? 16 में। जी हाँ, मुझे पहले ट्रांसप्लांट के, अब मुझे ट्रांसप्लांट का 1 साल हो गया। ट्रांसप्लांट के पहले मैं इनसे मिली थी, उस टाइम से लेके ये मुझे अब तक डायलिसिस वगैरह भी सब उन्होंने ही करवाया। आगे भी मदद के लिए बोले हैं या फिर? नहीं, आगे भी बोले हैं कि मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।